अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप लोग फरेंडी पे अकाउंट में इंटरनेशनल बेनिफिशियरी कैसे ऐड करेंगे, यानी इंटरनेशनल बैंक अकाउंट कैसे ऐड करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फरेंडी पे ऐप को ओपन करेंगे, यानी फरेंडी पे ऐप कह लीजिए या फरेंडी पे मोबाइल बैंकिंग कह लीजिए। तो हमने ऑलरेडी फरेंडी पे ऐप को यानी मोबाइल बैंकिंग को ओपन करके रखा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं हमारे में बैलेंस अभी है 20 रियाल। ऊपर मेरा नाम है, नीचे में मेरा नंबर है, और मेरे में अभी अमाउंट है 20 रियाल, यानी मेरे फरेंडी पे अकाउंट में भी 20 रियाल है। उसके नीचे में है ऐड मनी, 2 नंबर पे ट्रांसफ़र मनी, 3 नंबर पे है ऐड रिसीवर। तो हमको इंटरनेशनल बैंक अकाउंट इसमें ऐड करना है, यानी बेनिफिशियरी ऐड करना है। तो आप ऐड रिसीवर पे भी क्लिक करके ऐड कर सकते हैं और ट्रांसफ़र मनी पे भी क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। दोनों में सबसे आसान है ट्रांसफ़र मनी, यानी 2 नंबर वाला ब्लू कलर का ये वाला, इस पर आप टच करेंगे तो आपका यानी लॉन्ग नहीं है, यानी लंबा नहीं है। यहाँ से ऐड करेंगे, वहाँ जाइए थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ से, पर यहाँ से आसान है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे ट्रांसफ़र मनी पे। जैसे क्लिक करेंगे ये पूरा एरिया खाली है, ये पूरा जगह खाली है। आपको देखिए वहाँ पर लिखा है ऊपर में इंटरनेशनल ट्रांसफ़र, उसके बगल में प्लस का लोगो है, इसी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जिस कंट्री का आप बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे। तो मैं ऐड करना चाहता हूँ इंडिया का, इंडिया 3 नंबर पे है, इंडिया का लोगो बना है, इंडिया लिखा भी है, ये 3 नंबर पे। हम यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। उसके बाद में है देखिए लिखा है 1 नंबर पे बैंक नेम, यानी आपका अकाउंट किस बैंक का है उसका नाम डालें। सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, HDFC, ICICI है, कोटक बैंक है, जो बैंक होगा वो बैंक का नाम डालेंगे यहाँ पे। बैंक नेम, 2 पे IFSC कोड है, 3 पे है अकाउंट नंबर, 4 पे है वो आता है सेलेक्ट करने के लिए कि पैसा जो जिसका अकाउंट हम ऐड करने हैं वो कौन है, आपका आप खुद हैं या फैमिली का आदमी या दोस्त है। तो ये हम सबसे लास्ट में करेंगे। चलिए मैं अपने सब कुछ डालता हूँ यहाँ से, बैंक नेम 1 पे, 2 पे IFSC कोड, 3 पे बैंक अकाउंट नंबर, 4 पे वही फैमिली मेम्बर वाला। चलिए मैं आपको सब कुछ डालकर दिखाता हूँ यहाँ से। आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर सब कुछ ऐड कर दिया है, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, और यहाँ से हमने पर्सनल अकाउंट पे क्लिक किया, ये मेरा खुद का अकाउंट है। यहाँ से हम करेंगे इसको नेक्स्ट, यहाँ से। इसके बाद में अब यहाँ पे आपका और भी कुछ डालना पड़ेगा, यानी इसमें और भी डिटेल्स डालने के लिए मांग रहा है। रिसीवर नेम, रिसीवर मिडिल नेम, रिसीवर लास्ट नेम, नेशनैलिटी, उसके बाद में है रिलेशनशिप, और फिर मोबाइल नंबर, एक इंडिया का मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद में नेशनलिटी आपका है, सॉरी रिलेशनशिप, ये आपका क्या लगता है जिसका अकाउंट ऐड कर रहे हैं, नेशनलिटी यानी आप कहाँ के हैं, यहाँ पे है रिसीवर लास्ट नेम, यहाँ पे बीच का नेम, यहाँ का फर्स्ट नेम। चलिए मैं आपको सब कुछ यहाँ डाल कर दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं हमने फर्स्ट में नौशाद लिखा है, मिडिल नेम में आलम लिखा है, लास्ट नेम में भी आलम लिखा है, नेशनलिटी में इंडिया हमने डाला है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ IN शो कर रहा है, यानी आपका दो अक्षर शो करता है, और रिलेशनशिप में फैमिली, इसमें पर्सनल का ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो मैंने फैमिली चूज़ किया है। यहाँ पे आपका लास्ट में है रिसीवर मोबाइल नंबर, मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ से डाल दिया है। अब नीचे में दोस्तों है नेक्स्ट, सब कुछ डालने के बाद में एक बार देख लेंगे आप ऊपर नीचे, उसके बाद यहाँ से करेंगे अब नेक्स्ट। अब सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं आप लोग आपने क्या क्या डाला इसके अंदर में, वो सब कुछ यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। देखिए नाम, नेशनलिटी IN यानी इंडिया, मोबाइल नंबर यहाँ पर है, ये मोबाइल नंबर है, ये बैंक का नाम, IFSC कोड, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद यहाँ से करेंगे सेव रिसीवर, इसी पे क्लिक करेंगे। हमको मैसेज आ गया है नौशाद आलम विथ नंबर इतना इतना आपका अकाउंट ऐड हो गया है। अभी हमारे पे कॉल आएगा, उसी कॉल को रिसीव करेंगे, फिर मेरा अकाउंट नंबर यहाँ पे शो करेगा। तो मेरे फ़ोन पे कॉल आ चुका है, हम इसको रिसीव करते हैं।